बात, क्या बात, ओहो हो। अनिरुद्ध भाई कम ना हूं आज मार्केट में नहीं तून एकदम नई गीत आई बा कौनो ठेला पे मास्टर साहब गर्मी आ गई बा लीची बेचे वाली चल ली हो लेके वो गांव में गई बिया हेलो ले लो बहुत दिया मास्टर अरे बेचता नहीं ठेला तो लीची देवरू बेचता नहीं ठेला पर लीची देवरू नीमन से ले लो बिछी बिछी देवरू हो नीमन से ले लो बिछी बिछी देवरू ले लो ये सुग्री अरे बेचता नहीं ठेला पर लीची देवरू अरे नीमन से ले ला बिछी बिछी देवरू कह दिया नहीं लेगा तो दूसरे को देंगे कह दिया कि अगर नहीं लेंगे तो ये माल हम दूसरे को देंगे कह दिया नहीं लेगा तो दूसरे को देंगे लेंगे लेंगे भौजी लेंगे काहे हम के देखावत कर उठेंगे लेंगे लेंगे भौजी लेंगे अरे लेंगे लेंगे भौजी लेंगे 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 भौजी लेंगे तू देबू तो काहे न हम लेंगे अब मास्टर भोले बाबा अरे जोगिया हो मोर राम सब बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोगन के राम कोल यादव एम पार्टी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम एगो नया ढंग का भी रहा आप लोगों के बीच में हम गावे जात थे शायद ऐसा कहानी आप सबके बीच में आई लोग है जो ना भी रहा का शीर्षक बा 1000 करोड़ का सिक्का दो खून और दो कातिल 1000 करोड़ का सिक्का कहां से आई लिखो ऐसा दू गो मर्डर भी दू गो कातिल हूं इबिरहार भी स्टूडियो भीमपुरा में रिकॉर्डिंग होत बा हमारा विश्वास बा ए बिरहा के आप सब पसंद करब स्टूडियो में बैठे हमारे गार्जियन कलवारी ग्राम सभा के पूर्व प्रधान गुड्डू प्रधान जी बैठे हमारे गुरु डॉक्टर श्यामलाल कविया बैठे हैं शरणों में सादर प्रणाम और हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अमरजीत यादव जी बैठे हैं बहुत बहुत प्रणाम भूमिका लगत बाबू यही निशान है वान बेईमान बन के दिल को अपने बनाया है लालच का मंजर पुरदनवता की सीमा को यह पार करके मनवता के सीने चलाता है खंजर आज रिश्तों से बढ़ के पैसे की अहमियत अरे देने लगा है अब
जब इंसान देखो कैसा करके पैसा का व्यवहार ऐसा दे रहा कैसा खूनी ये अंजाम दे कि बड़ बाप ना भैया बा आ सबसे बड़ रुपया बा पैसा के चलते केकर हत्या केकर मर्डर हो जाए केहू नहीं खेजानत। बिरह में एक लाइन गजल के नमूना लगत मास्टर कैसे आदमी बिकाला बाजार न कहला जे किनारे डूब जाला जे किनारे डूब जाला मझधार न कहला जे किनारे डूब जाला जिया लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग बड़ा सुंदर भाव हमरे सुभाष सागर कवि जी बिरहा में डल रहे कैसे अरे लालच से बढ़ के जग में दुश्मन कोई न भाई लालच से बढ़ के जग में शुरुआत हो गई कैसे मास्टर गिरा मनौता आज इंसान के करतूतों से गंभी गमगी न हुआ खूनी पास सबूतों से बुलंदशहर की घटना सुनो ये दुखदाई है ले रहा पाप आज धरती पे अंगड़ाई है बालकी संजी रहते बल्लीपुर मोहल्ले में सीमित परिवार दिन कट रहा निठल्ले में जनसेवा केंद्र बेटा राजीव कुमार खोला था दलों से चाह रहा जल्दी भरना झोला था साथ में फूफा उसका नौकर वफादार रहा भरोसा करता उस पे पूरा परिवार रहा तीनों ही मिलके उस दुकान को चलाते थे अमीर बनेंगे कैसे दाव कुछ लगाते थे बात के समझ ले भैया
बिरहा का कहानी समझे में आसान रही। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बुलंदशहर और बुलंदशहर में बल्लीपुर, बल्लीपुर मोहल्ले के रहने वाले जिनका नाम बाल किशन जी, बहुत छोटा परिवार जिनकर साथ में दुल्हिन बाड़ी एक बेटवा हुन जन बेटवा का नाम बा राजू। ए भैया आज देखते बड़ा गांव गांव में चट्टी चट्टी पर जनसेवा केंद्र का व्यवस्था भइल बा, 10 रुपया कमीशन भी मिलेला, गरीब आदमी चाहे बड़ आदमी सबकर काम हो जाला। नजदीके में जनसेवा केंद्र खोलला के बाद उ राजीव कुमार जो लड़का बा देखलस कि हमारा से हमारा बाबूजी से काम नहीं के फरियापत बड़ा भीड़ होती है, तो वो अपना फूफा के बोला के आ नौकर रख ले कि चलो फूफा बेरोजगार बनो ए जा रही है तो तनी हमारा हाथों बटे हैं बाबू जी, तनी मैंने घर हूँ चल ली है तो अपन काम धाम चलल करी। ए बाबू धीरे 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 समय बीतता, एक दिन फूफा भतीजाई दोनों बैठल हो शाम के वक्त में, तो ये दोनों आपस में बतिया में फूफा भतीजा से कहत रहन यहाँ तरज लग गई। प्रधान दर्ज बा कौन लड़का पहुंचल बा कौन की गली में, गीत बड़ा चर्चा में बजल हो। आई बानी तोहरा गलिया कह बड़ू हम ललिया, फूफा समझावा तारा अपना सार की लड़का राजीव के का कल हो बबुआ कमैबा पैसा काम कुछ करो ऐसा एक दो पैसा कमीशन अल से बड़का धन ना बना लेब। सुन हमर बात फूफा कहता हमारा पापा से सिक्का सिक्का कितना कबा हमारा पापा से सिक्का लाखों करोड़ के रुपया कमाई
अद्भुत आला किस्मत को खोली ताला। रुपया को होई है बारिश सफेद करब धन काला। ए भैया अपने में फूफा भतीजा बतियावत फूफा कल के वो हम सिक्का धैले बड़ी आज उना के मार्केट में बेचला पर बड़ी रुपया के बेचाई एकर कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपया बा। अब भाई कुल छोड़ जन सेवा फन सेवा के दुकान। ए भैया आज देखा दोनों बतियावत लेकिन भैल का कलन तर्ज लग गई। कहत बाड़ी भारत के जननवर कहत बाड़ी भारत के जननवर सजनवा हमार बारा लहरी। बुझतन सिक्का की कीमतिया हो हे लइका। बुझतन सिक्का की कीमतिया हो कीमतिया बाजार में मिली कीमतिया ये सिक्का से देहात में कोनो फायदा ना होई। एक लेके चलो जी बाजार में जहां पूंजीपति लोग हुई हो। ये सिक्का में एगो क्वालिटी बागा का कहे सिक्का छुआवत लोहा बनी जई है सोना। राजबली जाने न कोई बतिया हो राजबली न जाने कोई बतिया हो कीमतिया बाजार में मिली भैया। इत दोनों जना फूफा भतीजा बतियावत लोग बा लेकिन भाई लगा कहल जला कि देवलियो का कान होला। आ देवलियो का कान होला ई बात अभी राजबली जी के कुछ और जानकारी नहीं थे लेकिन ई बतियावल बड़ा महंगा हो गई। तरज बदल थे एमएलसी साहेब अली तरज बा मास्टर ओहो
अरे खाई गईलू काए सुगरी तोरे ने मरद कौन अपना मेहरारू से कहता खा गईलू लांगड़ा है आमदाम कहिया दे बुची रही सुंदर भाव विरह में बा सिक्का बनल जीवा के काल सिक्का बनल जीवा के काल काल सिरवा पर नाचे काल सिरवा पर नाचे कैसे हाथी लागी हो लाल कैसे हाथे लागी हो लाल काल सिरवा पर नाचो ए भैया आखिरकार बातचीत होत बा और राजीव जो नौकर रखले बा सारी बात के सुनत के अरे यार 1000 करोड़ रुपया का सिक्का है निकल लगे हो आखिर नौकर किया क्या तेरी में भाव लगता पापी के समायल पपवा कैसे मिली खजाना कातिल भयल बकायल ए बाबू नौकर जब सुनलस कलस की कौन उपाय लगावे के पड़ी तो वह नौकर करता है क्या कि जाके अपना खास यार को जाके अपना खास यार को पाजी तब उसकाया है नौकर से मालिक बन जाएंगे तब राज की बात बताया है। अब नौकरवा सोचा तक जब 1000 करोड़ कोई सिक्का रख लेबा मारा एक है मारा करी फुकवे के मारा यहू के अब हम मलिकार बन के रहब अब एगो संगतिया सेट करता तब भैल का किसी कीमत पर हासिल करना किसी कीमत पर हासिल करना हमको वो खजाना है हमें चाहिए साथ तुम्हारा करना कुछ कारनामा है। अच्छा दू जना ई लोग बाना जे जन सेवा केंद्रवा पर रहलो राजीव उनका फूफा अब नौकरवा जाके गोरी के सेट कर लेलस कि वो काम कर लो कि कोनो उपाय से व्यवस्था बना के सिक्का अपना ले जा तो भैल का बाबू विदेशिया का भाव लगता साथी संग मिलके धाती रचले बाबू हो साजिश के फोन मालिक के बुलावले हो मुदैया वाई कले के आयल पाजी वही ठैया हो मिल के दोनों जुरुमा ढहवले हो मुदैया
चकुआ से वार कर मालिक आहो भर देहिया के छालनी बनवले हो मुदैया मिलल खजाना बाटे लागल नहीं कुछ हाथ फूफा जी के चक्का मा पढ़वले हो मुदैया। ए बाबू वह नौकर फोन करके संजोग से बुलाया है अपने जनसेवा के मल्लिकार महोदय राजीव को कि ई नहीं के लागे उ सिक्का बाबा इनका फूफा दे दिल बड़ो अब मार के सिक्का लेहल जरूरी बा के नौकरी करी इनका के राजा बन के रह। आखिर बाबू भई लगा बिरहा में पपट का भाव लगत बा मनवा कायल पा अज हवा मरल राजीव अब जनवा मनवा कायल आ देख दृश्य वहां को भाग फूफाजी जान बचाई अब पकड़ लिए तब पापी मुदई पेट में छुरा घुसाई तपने दरिंदा गाती दुश्मनवा मन दुहाई सुनना दुश्मना मनवा कायल ए भैया राजीव फूफा इलो गोइल हुओ आखिर हो बाबू योजना बना लिया है वो नौकर एक अपने साथी को ले लिया है नशे में दूत है आखिर घर के लोग परेशान हो कि आखिर इस जनसेवा केंद्रवा बोन को कई दोनों लोग कहां गए हो तब भइल के बाबू अरे घरवा के लोग दिखल हाने मेरा पटिया हो अब फूफा भतीजा गायब बाबूर सब कर मतिया अरे इधर पुलिस बात करत अपन कामवा मनवा कायल बा आज दुई दुई लाश मिलल होते भी हनावा मनवा भैया आखिर पता नहीं लगल जा करके परिवार के लोग थाने में रपट लिखौलन भइल के बाबू बिरह में अल्लाह का भाव लगल आए तो चोरी हत्या पाप नहीं
दुनिया में बाबू लगल छान पीन करे थाना का सिपहिया बाबू पुलिस सन में कातिल ढूंढे कातिल के होया मिलना रपट लिखाइल बा आउ जो नोकरावा बा उहो पुलिस की संगे संगे कातिलन के खोजवावता लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ कि आखिर ये भी रहता था ये नौकर भी रहता था तो थोड़ा इसका काल डिटेल निकाला जाए। मोबाइल चेक भइल तो बेटा पकड़ में अल लेकिन घरवा के लगवा कस के नहीं ऐसा नहीं कर सकते लेकिन भइल का बाबू खड़ी का भाव लगता बाबू दोनों लोगों की लाश मिली है तब विश्वास भइल और पुलिस अपने आप पर उतर गई तो दूध का दूध पानी का पानी साफ फैसला भइल। आज परिवार के लोग कहता कि वफादार से बढ़ के जेके जनली वफादार हो उहे रंगले खूनावा से दामन आज हमार हो जे बाबू जेके नौकर जेके अपन घर का गार्जियन बना के लोग रखले रहल उ ऐसन कइल त आखिर में कवि के भाव लिखल कि करनी का भोग हल पैबा यही जहानावा दोनों कातिल गइलन हो पकड़ी जहल खनावा रवास हो
दुनिया में के करा अजय बाबू नौकर और नौकर की दोस्त दोनों को जेल हुई तो जैसन करब वैसने पैब आखिर भइल का इसलिए हंसी मजाक वो फूफा भतीजा के महंगा पड़ल जान को घातिक भइल आखिर लाइन बा